हे ब्यूटीफुल व्यूअर ऑफ रैंडम टेक, तो कैसे आप लोग? चलिए अब बात करते हैं फोन खरीदने के बारे में। अगर आपको फोन खरीदना है तो आपको क्या क्या चीज देखना पड़ेगा? अभी मार्केट पे फोन में इतना ज्यादा कंफ्यूजन है, देखिए पहले में इतना कंफ्यूजन नहीं था। पहले आपका फोन के डब्बा में लिखा रहता था कि 100 कॉन्टैक्ट, 200 SMS, फ्लैश लाइट, स्नेक गेम, तो उसपे आप ज्यादा देखते भी क्या? आपको ज्यादा से ज्यादा करना क्या पड़ता था, ज्यादा से ज्यादा आपको चूज करना पड़ता था कि हम नोकिया से ले या सैमसंग से ले या लाभा जावा कुछ और कंपनी से ले। लेकिन अभी का जो बात है ना, अभी का एक फोन का इतना बड़ा स्पेसिफिकेशन आता है, अगर आपको कोई बजट में एक फोन चूज करना है आपको इतना हजारों ऑप्शन मिल जाएगा कि आपका कंफ्यूज होना तय है कि आप कौन सा फोन लेंगे, इसके बारे में कंफ्यूज होना आपका तय ही है। तो चलिए इसी बारे में बात करते हैं, इस वीडियो को तक देखते रहिए, मैं आपके सारे कंफ्यूजन दूर करूंगा ताकि आप अपने लिए एक इन्फॉर्म डिसीजन लेके अच्छा फोन अपने बजट के हिसाब से ले पाए। आजकल जमाने का जो फोन है वो सारे फोन लगभग स्मार्टफोन ही है, और अगर आपको स्मार्टफोन लेना है तो स्मार्टफोन का जो हार्ट होता है वो होता है प्रोसेसर। लेकिन दिक्कत एक ही है स्मार्टफोन प्रोसेसर के साथ, कंप्यूटर का जो प्रोसेसर है जैसे इंटेल हो गया, AMD हो गया, दो ही कंपनी बनाते हैं और उनमें से सारे प्रोसेसर मार्केट पे लूज सेल के लिए अवेलेबल है, तो आपको सारे स्पेसिफिकेशन वगैरह सब कुछ मिल जाता है। लेकिन फोन का जो प्रोसेसर है उसका ज्यादा से ज्यादा आपको क्लॉक स्पीड और कोर पता चलता है कि ऑक्टा कोर है कि हेक्सा कोर है, क्या है और कितना क्लॉक स्पीड है। इससे ज्यादा इन्फॉर्मेशन आपके पास रहता नहीं है क्योंकि मार्केट में लूज बिकता नहीं। लेकिन आपको जब अपने लिए फोन खरीदना है तो आप पूरा स्टडी करके जाइए। देखिए मैं एक थंब रूल बता देता हूं, अगर आपको लो बजट का फोन लेना है तो लो बजट का फोन पे भी आप स्नैपड्रैगन का 4 सीरीज का जो प्रोसेसर है जैसे 430 हो गया, ये सब इग्नोर कीजिए। कम से कम आप मीडियाटेक का हेलियो P सीरीज के प्रोसेसर के साथ जाइए तो आपका फोन अच्छा ही रहेगा। और अगर आपको मिड रेंज का फोन लेना है तो अभी तक जो मिड रेंज का फोन है ना उसमें एक से बढ़िया एक प्रोसेसर मिलता है। लेकिन आपको स्नैपड्रैगन का 6 सीरीज का प्रोसेसर अवॉइड करना है। अगर आपके पास कोई ऑप्शन नहीं है, कोई अच्छा डील मिल रहा है, बहुत ही अच्छा डील मिल रहा है, तो आप स्नैपड्रैगन का 675 से मिनिमम जा सकते हैं, नहीं तो आप 7 सीरीज का प्रोसेसर मांगिए जैसे 710, 712, 720, 730G। और मीडियाटेक की तरफ से अगर आपको प्रोसेसर लेना है, कुछ अच्छा डील मिल रहा है, तभी जाके आप मीडियाटेक का प्रोसेसर लीजिए। लेकिन वो भी हेलियो सीरीज का G80 या G90T, इससे नीचे तो बिल्कुल सटेल मत कीजिए। और आपको पता ही है कि अगर प्रीमियम रेंज पे जाना है तो आपके पास ऑप्शन ज्यादा कुछ है नहीं, स्नैपड्रैगन का 865 है, 855 क्लास है। अगर एक जनरेशन नीचे जाना है तो नहीं तो आराम से आप 865 चूज कीजिए। और सैमसंग की तरफ से अगर आपको प्रोसेसर लेना है तो एक दिन उसका कम से कम 9611 सीरीज के ऊपर वाला प्रोसेसर ही लीजिए। चलिए प्रोसेसर का बात हो गया तो अभी बात करते हैं फोन का मेमोरी के बारे में। देखिए अभी का जो फोन है उसपे 32GB, 64GB, 128GB, 256GB, 512GB कुछ भी मिल रहा है मेमोरी। लेकिन आपको मिनिमम से मिनिमम अगर लो बजट फोन है तो 64GB के साथ जाना है, क्योंकि 64GB के नीचे आप सटली मत कीजिए। अगर आपको फोन 1 साल से 1.5 साल चलाना है तो मिनिमम 64GB, और मिड रेंज पे भी आपको मिनिमम 128GB तो मांगना ही है मिड रेंज से प्रीमियम तक। और रैम के बारे में बात करते हैं, देखिए एंड्रॉइड जब से आया है ना, एंड्रॉइड से लेके एंड्रॉइड के सारे एप्स, जो भी पॉपुलर एप्स है जो भी है, वो इतना खा खा के इतना मोटा हो गया, तो आपका जो रैम है ना वो मिनिमम 3GB चाहिए लो बजट पे भी। और मिड रेंज पे तो कोई बात नहीं है, 6GB का आपको रैम लेना ही है। अगर बहुत अच्छा डील मिल रहा है 4GB पे तो लीजिए, लेकिन याद रखिये वो फोन आप 1 से 1.5 साल से ज्यादा यूज नहीं कर पाएंगे। और अगर आपको प्रीमियम फोन लेना है तो उस पर आप 8GB ले लीजिए, 8GB से ज्यादा का भी कोई फायदा नहीं, और 8GB से नीचे तो बिल्कुल मत लीजिए। अगर ज्यादा मिल रहा है उसी बजट पे तो लीजिए। अभी बात कर लेते हैं स्क्रीन टेक्नोलॉजी के ऊपर। जब से स्मार्टफोन आया है तब से TFT से लेके LCD, IPS, LED, AMOLED, OLED बहुत सारा टेक्नोलॉजी आ चुका है। देखिए आपको बस अगर लो बजट पे भी फोन लेना है तो TFT स्क्रीन बिल्कुल 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 अवॉइड करना है। आप आराम से IPS ले सकते हैं क्योंकि अभी का जो IPS LCD डिस्प्ले है उसका जो कलर रिप्रोडक्शन रेट और व्यूइंग एंगल वो बहुत अच्छा है। और AMOLED तो सबसे उमदा है ही, लेकिन AMOLED के साथ एक दिक्कत होता है, वो है कि जो लो बजट वाला AMOLED होता है उस AMOLED पे आपको ब्राइटनेस और व्यूइंग एंगल में दिक्कत हो जाता है। तो आप अपना डिसीजन लीजिए उसका जो नीड्स है, नीड्स मतलब वो कितना ब्राइटनेस देता है, मैक्सिमम पे ए भी देखिए और लोअर ब्राइटनेस में कितना लो तक जा सकता है ये भी देखिए सारे डिस्प्ले के लिए। क्योंकि कभी कभी दिक्कत ये होता है कि आप बहुत ही लो लाइट पे काम करना चाहते हो, आपका पूरा रूम अंधेरा है लेकिन आपका जो फोन है वो ज्यादा लो जा नहीं पाता, तो अपना पूरा लो इंटेंसिटी का भी उसका लाइट देखिए और पूरा हाई इंटेंसिटी में भी उसका लाइट देखिए, तभी जाके आप एक डिसीजन ले पाएंगे कि कौन सा डिस्प्ले आपके लिए अच्छा है। अभी देखिए नेक्स्ट जो सेगमेंट है ना, इस सेगमेंट में आपको पता नहीं क्यों ऐसा होता है कि लो बजट पे सबसे अच्छा परफॉर्म करता है। आप जितना लो बजट वाला फोन लोगे वो लोग 5,000, 4,000, 5,500 का बैटरी, 6,000 तक का इमेज का बैटरी दे देते हैं, लेकिन जो हाई एंड फोन होता है उसमें इतना ज्यादा बैटरी आपको मिलता नहीं है।
लेकिन एक बात पे आप ध्यान रखिए कि बैटरी का एमएएच से ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि वो फोन कितना ज्यादा ऑप्टिमाइज है। ऑप्टिमाइज मतलब उस फोन में आप सारा दिन का यूज में कितना ज्यादा बैटरी जाता है। और साथ ही साथ में एक चीज का ध्यान रखिए, आपका फोन में फास्ट चार्जिंग सपोर्ट क्या मिल रहा है, क्वालकॉम सफी वेव सपोर्ट मिल रहा है या क्विक चार्ज 3 18 वाट 35 वाट 44 वाट 90 वाट क्या फास्ट चार्जिंग सपोर्ट मिल रहा है। और आपने अपना रिक्वायरमेंट के हिसाब से चुनिए, क्योंकि आपका बैटरी अगर ज्यादा बड़ा होगा उसके साथ आपको 10 वाट का चार्जर दिया जाएगा तो आपका फोन सारा दिन चार्ज पे ही लगा रहेगा, यूज ही नहीं कर पाओगे, तो उससे फायदा क्या है। तो सोचिए ऐसा फोन लीजिए जिसका चार्जिंग स्पीड साथ ही साथ बैटरी का क्वांटिटी दोनों आपके लिए परफेक्टली मैच हो। अभी बैटरी हो गया, प्रोसेसर हो गया, डिस्प्ले हो गया, रैम हो गया, मेमोरी रैम हो गया, रह गया क्या कैमरा। देखिए कैमरा के बारे में जो मार्केटिंग होता है वो सिर्फ और सिर्फ मेगापिक्सल को लेकर होता है, लेकिन आप तो रैंडम टेक के व्यूअर हो तो आपको तो पता होगा कि सिर्फ मेगापिक्सल से कुछ नहीं होता। कैमरा जो होता है ना उसका मेगापिक्सल छोड़ के बहुत सारा चीजें दिखाया जाता है। इसीलिए आईफोन का जो कैमरा है उसका मेगापिक्सल सबसे कम होता है लेकिन वो बेस्ट कैमरा माना जाता है वर्ल्ड पे। हमेशा जो आईफोन लॉन्च होता है हर ईयर उसका कैमरा होता है वर्ल्ड का बेस्ट फोन कैमरा। तो मेगापिक्सल करके मत दौड़िए, देखिए उसका अपर्चर कैसा है। अगर अपर्चर बड़ा होगा तो नाइट पे भी आप बहुत ही अच्छा चले पाएंगे। देखिए उसका फोकस कैसा है, देखिए उसका लेंस कौन सा कंपनी का बना है, देखिए उसका डायनामिक रेंज क्या है। अगर वीडियो रिकॉर्डिंग की बात करें तो इस चीज में ना ज्यादा से ज्यादा सस्ता ब्रांड का जो फोन होता है वो फेल हो जाता है, क्योंकि वो लोग स्टेबिलाईजेशन देता नहीं है। आप दिखाते हो कुछ फोटो, फोटो का एक अलग सा मोशन है और कैमरा एक अलग सा मोशन लेके आपको एक कुछ और ही तस्वीर और ही वीडियो दिखा देता है। तो इसी बारे में आप देखिए कि उसका स्टेबिलाईजेशन, इलेक्ट्रॉनिक स्टेबिलाईजेशन, ऑप्टिकल स्टेबिलाईजेशन है कि नहीं। अगर उस पर स्टेबिलाईजेशन है तो आप जिस चीज का मूवमेंट दिखाना चाहते हो सिर्फ उसी का मूवमेंट आएगा, उसके साथ कैमरा का मूवमेंट मल्टीप्लाई होकर अजीब सा भूत टाइप का फोटो नहीं आएगा। जैसे हमारे साथ होता है, हम जब अपना नॉर्मल बजट या मिड रेंज वाला फोन लेके किसी मूविंग पिक्चर को या मूविंग ऑब्जेक्ट को शूट करना चाहते हैं वीडियो पे, तो दिक्कत क्या हो जाता है, वो ब्लरिश हो जाता है, उसका मूवमेंट पता ही नहीं चलता, पता चलता है कि कुछ उस कलर का चीज चला गया। उस बारे में आप सतर्क रहिए। और ये जो जूम का चल रहा है ना कि 50x जूम 60x जूम, ये सब जूम के झांसे पे भी बताइए, क्योंकि जूम जो होता है ना वो असली जूम ऑप्टिकल जूम ही होता है। जब आप डिजिटल जूम करते हो तो फोटो का क्वालिटी रहता नहीं है, तो ऑप्टिकल जूम किस फोन में कितना है उसको देखिए। जैसे ज्यादा से ज्यादा ऑप्टिकल जूम आपको 3x 2 5x मिल जाएगा, लेकिन कंपनी उसका डिजिटल जूम को ऐड करके आपको 60x 50x दिखाता है, तो उस बारे में सतर्क रहिए। आशा करते हैं वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। अगर ये वीडियो अच्छा लगा है तो अपने सारे दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, जिसको फोन लेना है उसको बोलिए वीडियो देखे उसी के बाद फोन खरीदे, और अपना चैनल को सब्सक्राइब और घंटी बजाना बिल्कुल मत भूलिएगा। आपका कोई सुझाव हो, कोई सजेशन हो, कोई कॉमेंट हो, कोई फीडबैक हो, हमें नीचे कॉमेंट करके बताइए। चलिए तब तक के लिए खुश रहिए और मुस्कुराते रहिए।